हाय फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रे टू वन एंड ऑल। राइट, आज हम बात करने वाले हैं फास्टिंग के ऊपर। हम सभी फास्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये है कि फास्टिंग करते समय हम अपने मुंह का ध्यान कैसे रखें, इन शॉर्ट हाउ टू मेंटेन ओरल हाइजीन ड्यूरिंग फास्टिंग। अब थोड़ा ये समझते हैं कि फास्टिंग करने से हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। राइट, नंबर वन, फास्टिंग जब हम करते हैं तो बॉडी अंडरगोस डिहाइड्रेशन, मतलब बॉडी में से पानी सूखने लगता है और शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इस वजह से क्या होता है, हमारे मुंह में भी पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लगता है, एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू अल्सर्स या फिर गम डिसीजेस। नंबर टू पे आती है पंजेंट स्मेल। मुंह से आपने देखा होगा अक्सर, फास्टिंग जब हम बहुत देर तक खाली पेट रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो मुंह से स्मेल आने लगती है। राइट, इसका कारण यह होता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग हमारे मुंह में सल्फर कंपाउंड्स का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लीडिंग टू पंजेंट लाइक स्मेल, या फिर जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं मुंह से गंदी बास आना। फास्टिंग के दौरान हमारे मुंह में सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाता है, लीडिंग टू टार्टार एंड प्लाक बिल्डअप। यानी आम भाषा में कहें तो हमारे मुंह में दांतों के पीछे पीली सी एक परत जमने लगती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंचर वेयरर्स की। जो लोग जबड़ा पहनते हैं फास्टिंग के दौरान उनके मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं, हेंस लीडिंग टू हैलिटोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई माउथ की, अल्सरेशंस की, गम डिसीजेस की, या दांतों में सड़न होना। ये सब कारण भी हैं क्योंकि फास्टिंग के दौरान हमारे मुंह में सलाइवा का प्रोडक्शन जो है, थूक का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने मुंह को कैसे साफ रखा जाए स्पेशली ड्यूरिंग फास्टिंग। नंबर वन, आप सभी जानते हैं सुबह शाम ब्रश करना होता है, तो फास्टिंग के दौरान, स्पेशली फास्टिंग के दौरान, तो आपने सुबह शाम ब्रश जरूर करना है, ठीक है। नंबर टू, जो लोग जबड़ा पहनते हैं वो लोग जबड़ा निकालें, साफ करें जबड़े को अच्छे से, उसके बाद लगाएं और जो खाना पीना है वो खाएं, उसके बाद इमिजिएटली उस जबड़े को क्या करना है, साफ करना है और फिर पहनना है। वैसे तो आप रेगुलर बेसिस पे भी ये करते हैं, बट फास्टिंग के दौरान स्पेशली आपने ये जरूर करना है। एवरी मील के बाद आपने अपने जबड़े को साफ करना है। नंबर थ्री पे आता है पानी। फास्टिंग के दौरान पानी पीते रहिए, इन शॉर्ट स्टे हाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड अगर रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे अल्सर होना, मुंह से बदबू आना, एक्सेट्रा। अब नंबर फोर पे आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेचुरल फाइबर का काम करते हैं और दांतों की साफ सफाई करने में हेल्प करते हैं। सो डेफिनेट सी बात है कि फास्ट खोलने के बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खूब खाइए। नंबर फाइव पे हम बात करते हैं चाय एंड कॉफी। ठीक है, हम में से काफी लोग फास्टिंग के दौरान चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं पीनी है। ज्यादा कॉफी और चाय पीने से क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, और अब आप सभी जानते हैं अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेट में रहेगी तो क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिंट लीव्स। राइट, अपने मुंह को आपने हाइड्रेटेड रखना है एट एनी कॉस्ट, तो हर 2 घंटे पे, हर 3 घंटे पे आप मिंट लीव्स मुंह में डाल सकते हैं, चबा सकते हैं, तो इससे बॉडी में क्या होगा, जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रहेगा, बॉडी विल नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन, हेंस फॉर्थ आपका मुंह जो है वो साफ रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट वाटर रिंसिंग एंड गार्गलिंग। क्या कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा काम है। हर एक 3 घंटे पे, 4 घंटे में आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिला के अपने मुंह में उसको घुमा सकते हैं, जैसे जिसे कहते हैं ओरल स्विश करना, ऐसे, या फिर गार्गलिंग कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपका मुंह का जो हाइड्रेशन वाला पार्ट है वो मेंटेन रहेगा, मुंह में जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, या ग्रोथ कोई डेवलप हो रही है तो वो भी नहीं होगी। जोर से बोलो जय माता दी। भगवान बिल्कुल बुरा नहीं मानते। जिन लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो प्लीज आप लोग फास्टिंग अवॉइड कीजिए या फिर नेक्स्ट ईयर रख सकते हैं, भगवान बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि अगर पेट में एसिड ज्यादा कंटेंट उसका रहेगा तो आपके दांतों में पीलापन आएगा, अल्सर्स की शिकायत, मुंह से बदबू आना, गम डिसीजेस एक्सेट्रा। राइट, तो प्लीज 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 जिन लोगों को प्रॉब्लम है पेट की स्पेशली, वो फास्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली भगवान बुरा नहीं मानते। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैप्पी नवरात्रि टू वन एंड ऑल। होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू डू सो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। राइट, एनी क्वेरीज, क्वेश्चन, यू कैन राइट टू अस एट
cementedmentalcare@gmail.com. Stay happy, stay healthy, and see you in the next video. Bye.